थानागढ़ के कमला बिहार बलदेवपुरी में रहने वाले फूल सिंह पुत्र स्वर्गीय मान सिंह ने पुलिस उप महानिरीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर दबंग लोगों द्वारा उसके रूपों का गमन करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। बलदेवपुरी निवासी फूल सिंह ने DIG को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि कटरा क्षेत्र के सुशील कुमार पुत्र रामकिशन ने 4,50,000 रुपए हड़प लिए हैं। उसके नाम कई रजिस्ट्री और एग्रीमेंट है जो कि बदमाशी के बल पर अर्जित किए गए हैं। फूल सिंह ने बताया कि वह कई बार इसकी शिकायत संबंधित थाने में भी कर चुका है, लेकिन कोई भी कार्यवाही अभी तक अमल में नहीं लाई गई है, जिसके चलते उसने आज पुलिस उप महानिरीक्षक को एक शिकायती पत्र सौंपा है जिसमें कार्यवाही की मांग की गई है। जानकारी देते हुए फूल सिंह ने बताया कि मेरा नाम फूल सिंह है। क्या समस्या आपकी? समस्या ये थी कि ये सुशील और मैंने एक प्लॉट खरीदा था 210 गज का। अच्छा जी, खरीदा था तो वो उसमें इसमें मैंने आधा पेमेंट अपने घर से दिया, आईसन मतलब किसान को पूरा पैसा दे दिया प्लॉट वाले को। उसके बाद में इसने धोखे से वकील साहब से मिल के आज मेरे घर वाले के नाम 50 गज कराई और अपने नाम मतलब ज़्यादा करा ली, जो भी 70-80-90 के आस पास। फिर मैंने इसका विरोध किया, विरोध करने के बाद में ये दोनों मियाँ बीवी ने मुझे समझा दिया, हमारे घर पे आने के बोले ऐसा जो भी पैसा मिलेगा वो आधा कर लेंगे, बेच लेंगे प्लॉट। मैं उस बात पे मैंने चलो भाई कोई बात नहीं है। फिर ये रजिस्ट्री हुई, जब वो प्लॉट बेचा तो इसने क्या करा कि मेरी घरवाली को चेक दे दिया 1.5 लाख रुपए का और बाकी बोला कि चलो घर कर लेंगे हिसाब। कितने का प्लॉट बिका? प्लॉट बिका था 12,60,000 रुपए का। जी, खरीदा कितने का? खरीदा था वो 6,13,000 रुपए का। तो इसने जो है वो मतलब फिर वो पैसा देने के लिए इन्हें मना कर दिया। मैंने इससे विरोध किया तो मेरे घर पे आया राधे श्याम और ये दोनों जने बोले कि तूने अगर कोई कार्रवाई की या कहीं पुलिस में गया या किसी को भी एप्लीकेशन दी आए समझे तो हम तुझे बता देंगे। फिर इसने मेरे बच्चों से भी मतलब झगड़ा किया और मारपीट भी की इन दोनों ने। जी, घर पे आन के मेरे तो आपने शिकायत करी इसकी? जी शिकायत करी तो कुछ भी नहीं हुआ सामने, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी कहीं पे। क्या कारण मानते हैं जो सुनवाई नहीं हुई? क्या पता साहब, ये तो भूमाफिया किस्म के आदमी हैं, इनके पास तो 25-30 रजिस्ट्री हैं आई समय और बस पैसे बल पे खेलते हैं। बोले पुलिस से ये कहे बोले पैसा क्या कर, पैसा तो हम देकर कहीं कुछ भी करा लेंगे। अभी आप कहाँ गए थे आज? आज हम DIG साहब के पास गए। तो क्या कहा उन्होंने? कहा ठीक है देखते हैं इन लोगों को।